दोस्तों आज के समय दुनिया में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां इंसान नहीं जा पाता हो। ह्यूमन सिविलाइजेशन ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है कि धरती तो छोड़िए, हम दूसरे प्लैनेट की ओर भी बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर ही कुछ जगह ऐसी है जहां पर जाना मौत को दावत देने जैसा होगा। और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में भी बताएंगे जहां पर जाना मौत को दावत देने जैसा तो है ही, साथ ही जानवर भी वहां पर जाने से कतराते हैं। आखिर ऐसा क्या है उस जगह पर, देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप मिस ना करें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए जानते हैं उन सबसे खतरनाक जगहों के बारे में। नंबर 8 स्नेक आइलैंड, ब्राजील। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ब्राजील के इस आइलैंड की, जहां पर जाना तो दूर लोग इसके बारे में बात करने से भी कतराते हैं, क्योंकि इस आइलैंड पर बहुत ही खतरनाक और जहरीले सांप रहते हैं जिनकी सिर्फ एक बाइट आपको भगवान के दर्शन कराने के लिए काफी है। अभी आइलैंड पर जाने वाले लोगों की जान को होने वाले खतरे को देखते हुए ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने खुद यहां पर जाने को लेकर बैन रखा है। इसका सीधा सा मतलब है इस आइलैंड पर जाना इलीगल है। अगर उन सांपों के बारे में बात करें जो यहां पर रहते हैं, जो इस आइलैंड को खतरनाक बनाते है, वो है गोल्डन लैंसहेड स्नेक, जो सबसे खतरनाक माने जाने वाले पीट वाइपर की ही एक प्रजाति है। अब इन सांपों के जहर की खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी असर करता है, जिसके चलते इंसान हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही भगवान को प्यारा हो जाता है। नंबर 7 डानाकेल डिजर्ट। दोस्तों क्या आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट इथियोपिया में एक ऐसा डिजर्ट भी मौजूद है जिसे दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में गिना जाता है, और इसका नाम है डानाकेल डिजर्ट। और ये खतरनाक जगहों में सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि यहां अन्य डिजर्ट से अलग ऑक्सीजन की बहुत ही ज्यादा कमी है। इतना ही नहीं, अगर आप इस डिजर्ट में किसी तरह से कम ऑक्सीजन में सर्वाइव कर भी लेते हैं तब भी ये आपके लिए जानलेवा होगा, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के जगह बहुत सी ऐसी जहरीली गैसेस मौजूद है जिनके बीच रहने पर आपकी जान भी जा सकती है, और यही वजह है कि यहाँ इस रेगिस्तान में कोई भी जाना नहीं चाहता। नंबर 6 हैंगिंग टेम्पल चाइना। दोस्तों चाइना में मौजूद हैंगिंग टेम्पल की बात करें तो ये देखने में तो बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस सुंदर सी जगह पर आराम से जा सकते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस जगह पर जाना आपको मौत के मुंह में जाने जैसा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस शानदार हैंगिंग टेंपल को चाइना की शैंगशी प्रोविंस के माउंट हेक के नजदीक रॉक्स के किनारे बनाया गया है, जो देखने में बेहद ही खतरनाक लगती है। दरअसल ये रॉक्स इतनी ऊंचाई पर मौजूद है कि इस पर से टेंपल में जाना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब तो कोई भी इस टेंपल में नहीं जा पाया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में दुनिया भर के बहुत से डेयरिंग लोग इस टेंपल में जा चुके हैं। नंबर 5 लेक नेट्रॉन। दोस्तों लेक नेट्रॉन का नाम सुनकर आप इसे एक साधारण लेक समझने की भूल मत करना, क्योंकि आपकी ये भूल आपको परेशानी में डाल सकती है। दरअसल तंजानिया में मौजूद ये लेक दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में शामिल है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस लेक का पानी अल्कलाइन रिच है जिसका पीएच 10.5 से भी ज्यादा है। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस पीएच के चलते ये तालाब इतना ज्यादा ज्वलनशील हो गया है कि अगर आप इस तालाब में गलती से भी गिर गए तो आपकी बॉडी इतनी बुरी तरह जल जाएगी कि आप इसकी कल्पना सपने में भी नहीं कर सकते। ऐसा देखा गया है कि इस लेक के अंदर बहुत से जानवरों ने अपनी जान गंवा दी है, और ऐसे में इसके अंदर किसी भी तरह के एक्वाटिक क्रिएचर मतलब कि पानी में रहने वाले जीव के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब भले ही इस लेक में कोई ना रहता हो, लेकिन पिछले कुछ समय में वैज्ञानिकों ने ये नोटिस किया है कि इसके अंदर रेड कलर के साइनो बैक्टीरिया रहते हैं। इन्होंने इसके अंदर पिंक स्पॉट भी बना चुके हैं। नंबर 4 नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड इंडिया। दोस्तों जब बात दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों की हो रही है तो उसमें नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का नाम होना तो लाजमी की बात है। ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है कि खुद इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस जगह पर जाने पर बैन लगाया गया है। अब दोस्तों शायद ही आपको पता होगा कि भारत में बे ऑफ बंगाल में मौजूद इस आइलैंड पर एक ऐसी ट्राइब रहती है जिसका बाहरी दुनिया से कोई भी कांटेक्ट नहीं है, और अगर बाहरी दुनिया का कोई भी इंसान इस आइलैंड पर जाने की कोशिश करता है तभी ट्राइब के लोग उसे जान से मार डालते हैं, जिस वजह से कोई भी यहाँ पर जाने की दम नहीं दिखा पाता। दोस्तों इस आइलैंड पर रहने वाले ट्राइब के लोग इतने खतरनाक है कि एक बार एक हेलीकॉप्टर इस आइलैंड के करीब जाकर यहाँ रहने वाले ट्राइब को अपने कैमरा में शूट कर रहा था, तब इस दौरान उस ट्राइब के लोगों ने उस हेलीकॉप्टर पर अपने भालों और तीर कमानों से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, अब कुछ साल पहले एक फॉरनर चुपके से इस आइलैंड पर गया, तब यहाँ रहने वाले ट्राइब के लोगों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी, जो ये साबित करता है कि यहाँ रहने वाले ट्राइब बाहरी लोगों को जरा भी बर्दाश्त नहीं करते। नंबर 3 अमेजन रेन फॉरेस्ट। दोस्तों अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें इस लिस्ट में अमेजन रेन फॉरेस्ट का नाम देखकर हैरानी हो रही है, तो शायद आप रेन फॉरेस्ट की पूरी सच्चाई
सच्चाई नहीं जानते, क्योंकि अगर जानते होते तब आप इस तरह हैरान नहीं होते। दरअसल अमेजन रेनफॉरेस्ट को भी दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ ऐसे ऐसे क्रिएचर रहते हैं जो इंसान तक की जान ले सकते हैं। और तो और यहाँ के पेड़ पौधे भी बेहद जहरीले होते हैं, जिनको बस टच करने से आप दिक्कत में पड़ सकते हो। लोगों के अनुसार इस जंगल में एलियंस भी रहते हैं, क्योंकि लोगों ने कई बार इस जंगल के ऊपर से यूएफओ को उड़ते हुए देखा है, जो लोगों के मन में यहाँ पर आने के लिए और भी ज्यादा डर पैदा करता है, जिसके चलते बहुत ही कम लोग इस जंगल में जा पाते हैं। नंबर 2, चेर्नोबिल, यूक्रेन। दोस्तों अब हम जिस जगह के बारे में बात करने वाले हैं, वो है तो बहुत ही फेमस, लेकिन बहुत ही कम लोग वहाँ पर जाने का दम दिखा पाते हैं, क्योंकि कुछ दशक पहले या समझो सालों पहले यहाँ एक ऐसी दुर्घटना हुई थी कि जिसकी कल्पना भी आपको डरा देगी। और उस जगह का नाम है चेर्नोबिल, जहाँ पर 26 अप्रैल 1986 के दिन न्यूक्लियर इंडस्ट्री की अब तक की सबसे खतरनाक दुर्घटना थी। अब आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये न्यूक्लियर डिजास्टर इतना भयंकर था कि इसने चेर्नोबिल के करीब 150,000 स्क्वायर माइल्स के एरिया में अपना प्रभाव छोड़ा था, जिसके चलते वहाँ पर रहने वाले 3.5 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा था। अब सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि आज इतने सालों के बाद भी बहुत से लोग चेर्नोबिल के इलाकों में फिर से नहीं बस पाए हैं, क्योंकि एक्सपर्ट के मुताबिक न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद लीक हुई रेडिएशन का असर आज भी यहाँ के 1000 स्क्वायर माइल के एरिया में देखने को मिलता है। अगर इस जगह पर पूरी तरह से रेडिएशन हट जाए तो यहाँ पर लोग आराम से रह सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा होने में करीब 20,000 साल का समय लग जाएगा। इतने सालों के बाद भी ये जगह लोगों के लिए खतरनाक मानी जाती है। नंबर 1, डेथ वैली, यूएसए। दोस्तों धरती पर मौजूद इतनी खतरनाक जगहों के बारे में जानने के बाद अब सबसे अंत में बात करते हैं एक ऐसी जगह के बारे में जो है तो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन, लेकिन फिर भी उसे खतरनाक माना जाता है। और उस जगह का नाम है डेथ वैली, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में मौजूद है। दोस्तों इस जगह को डेथ वैली ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि ये अपने नाम पर खरी उतरती है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा देर रहने वाले लोगों की जान भी जा सकती है। दरअसल दोस्तों इस जगह को धरती की सबसे गर्म जगह माना जाता है, जहाँ का तापमान अक्सर 57.7 डिग्री के आसपास रहता है, और यही वजह है कि यहाँ पर किसी को भी सर्वाइव करना असंभव है। अब जानकारों की माने तो डेथ वैली में एक इंसान पानी के बिना सिर्फ 14 घंटे ही जीवित रह सकता है, जिसके चलते बहुत ही कम लोग यहाँ पर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे धरती पर मौजूद मोस्ट डेंजरस प्लेसेस। तो आपको इन जगहों में से सबसे खतरनाक जगह कौन सी लगी, कमेंट बॉक्स मौजूद है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस इससे भी बेहतर होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।